सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के राष्ट्रीय महासचिव बागी विधायक उम्मीदवार संजीव मिश्रा जाप में मिले शामिल। राजद के बागी विधायक उम्मीदवार संजीव मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव थे। राजद पार्टी में 3 सालों से तन मन धन से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे थे, लेकिन राजद पार्टी ने मौके पर धोखा दिया है। जाप का दामन थाम चुनाव लड़ने उतरे छातापुर विधानसभा से, आइए जानते हैं एनटीवी टाइम संवाददाता के साथ विधायक उम्मीदवार संजीव मिश्रा से कि क्या कारण था जो राजद छोड़ जाप में होना पड़ा शामिल, क्या है इनका चुनावी मुद्दा, आइए जानते हैं बागी विधायक उम्मीदवार संजीव मिश्रा की जुबानी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं बलराम कुमार, जिला संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी पहुंचा हूँ छातापुर विधानसभा क्षेत्र और अभी आया है संजीव मिश्रा के पास। ये जो है जाप के विधायक उम्मीदवार हैं और ये पहले आरजेडी में थे। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि क्यों उनसे ये खफा हो के बाहर हो गए और जाप में शामिल हो गए। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, जानना चाहते हैं संजीव कुमार मिश्रा जी से। सर आप एक बार बताइए, आपका कार्यकाल बहुत दिन रहा राजद में, आप उससे क्यों खफा हो गए, कि क्या कारण था जो आप उससे निकल गए? ये मेरे से बेहतर होगा पब्लिक से पूछेंगे तो बता देंगे आपको कि मैंने अपने दिल और दिमाग से संगठन के लिए काम किया है, वो मेरा व्यर्थ नहीं गया है और मेरे साथ पार्टी ने चल करने का काम किया है। और इसी आवेश में और पब्लिक के कहने पे, पब्लिक के रिक्वेस्ट से मैं फील्ड में आया हूँ, क्षेत्र में आया हूँ और माननीय पप्पू यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है। मैं उस विश्वास को आजीवन उनको कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, संगठन के लिए काम करूँगा। मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, नहीं करना चाहता। आगे ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये पब्लिक की लड़ाई है, पब्लिक लड़ रहे हैं और मैं पब्लिक के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी हूँ। आप आरजेडी को जो छोड़े, क्या कारण था जो आप आरजेडी को छोड़े? आरजेडी पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के कहने पे मैंने काम स्टार्ट किया, संगठन को मजबूत किया, लोगों को जोड़ा और लास्ट मोमेंट तक हमको ये भरोसा दिला गया कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, आप क्षेत्र में जाइए, वहाँ तैयारी की। जहाँ जो उन्होंने खर्च करवाया मेरे से, मैंने किया भी, मेहनत भी किया, लास्ट मोमेंट में मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों किया, क्या कारण था? ये सीधी सी बात है, वहाँ तो उनको नहीं पता चल पाया, वहाँ जो जो पैसा दिया उनको टिकट मिला, मेरे पास पैसा नहीं था। जब बोले अब संगठन हमारा मजबूत है, क्षेत्र अच्छा है, नहीं दे पाए पैसा नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिला। सर आप ये बताइए, जाप में आपको क्या अच्छा लगा जो आप इसमें ज्वाइन किए? मैं आपको बता दूँ कि मैं 1996 से जुड़ा हुआ हूँ माननीय सांसद जी से। मैं उन्हीं के रह करके पढ़ाई लिखाई करता था पूर्णिया में और मैं दूसरे दल में भी था, मेरा आना जाना वहाँ कम नहीं हुआ, लगातार जाता रहता था और वो भी जा रहे थे दूसरे दल में, लेकिन उससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने मुझे जब मैं उनके पास गया तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, मुझे पता है आपका संगठन बहुत अच्छा है। और वही संगठन मेरा अब जो ताकत है वो डबल हो गया, पहले का जो संगठन था वो भी काम कर रहा है और जाप का जो संगठन है वो भी काम कर रहा है, अब पूरा समाज हर एक धर्म हर एक जाति के लोग हमारे साथ। अच्छा सर एक बात बताइए, नीतीश जी की सरकार में कहा क्या यहाँ छातापुर में विधानसभा में विकास हुआ है क्या? ये तो बेहतर होगा पब्लिक से पूछे, कुछ काम नहीं हुआ है, सब ठगने का काम किया गया, कोई काम नहीं हुआ। वो जनता यहाँ कह रही है कि यहाँ के पूर्व में जो विधायक थे बीजेपी का, वो कोई कार्य नहीं किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेहतर होगा पब्लिक से पूछेंगे, काम कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं हुआ। आप सिर्फ उस रोड के अलावा आप यदि 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ ये स्थिति है कि आप पैदल नहीं जा सकते, 1.5 फुट 2 फुट 3 फुट पानी लगा हुआ रहता है। बिजली की स्थिति देखेंगे, पंखा घूमते रहता है, आप उसको गिन सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, पान और चाय की दुकान पर, हॉस्पिटल पर नहीं मिलेंगे। यदि डॉक्टर गलती से मिल गए तो आपको एक भी दवा नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। शिक्षा की व्यवस्था आप देखिए, सब बदसे बदतर है, कोई विकास नहीं हुआ, यदि कोई कुछ बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। नीतीश जी का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, जैसे जल नल योजना है, गली नल योजना है, सड़क निश्चय योजना है, मतलब बहुत सारा विकास के नाम पर उसका खर्च हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात बताइए, कोई भी व्यापारी यदि 100 रुपये का काम करता है, 80 रुपये घूस ले लीजिएगा तो 20 रुपये में क्या काम करेगा, उपलब्ध हो जाएगा। वो सब चुनावी मामला था और फंड जनरेट करना था, वो फंड जनरेट कर लिए और कुछ नहीं काम कुछ हुआ नहीं, मतलब आपके तरफ से विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, पब्लिक बता दिए, पूरा पब्लिक बता दिए, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मेरा चुनाव मुद्दा सबसे पहले शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, बिजली है, सड़क है,
और यहाँ जो कुछ लोग जमीन का मामला जैसे है उसको बिजनेस बना लिया लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ राजनीतिक जो है वो उनको एक व्यापार बनाए हुए हैं, उसको खत्म करना है। करप्शन देख रहे हैं आप, जब ब्लॉक में जाएंगे तो बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होगा, बिना उसका कोई काम ही नहीं होगा, और ये पीक लेवल पे हो गया, इसको हमको खत्म करना है। अगला आपके हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है? भ्रष्टाचार पीक लेवल पे हो, बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। रसीद अगर कटवा लीजिए, किसान जाते हैं 50 रुपये का रसीद कटाने के लिए, उनसे 200 रुपये डिमांड होता है, नोटेशन के लिए 5,000, 10,000, 20,000 जैसा फाइल जैसा वजन वैसा पैसा। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के विधायक सब आते हैं वोट के समय में, वोट मांग के चले जाते हैं, जीतते हैं तो एक बार भी दर्शन करने नहीं आते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है, यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं आप एक बार खुद सर्वे कर लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं एक बार, लेकिन संजीव मिश्रा के बारे में पता नहीं लीजिएगा पब्लिक को पता नहीं। सर आप जो है क्षेत्र में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, आप ऐसा जनता को क्या कहिएगा, क्या जनता के बीच संदेश देना चाहते हैं जो आपसे लाभान्वित होकर आपको वोट देगा और आपको जिताएंगे? आपको आश्चर्य लगेगा, जब मैं जाता हूँ क्षेत्र में, कल भी मैं गया था, लोग कह रहे थे कि हमारा तो बड़ा दुख मिल रहे हैं, सुन लीजिए टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन आप फिर हमारा सब खुश छे, आपके टिकट मिल गए, हमारा दल से मतलब नहीं, हमारा सब संजीव दल में, हमारा सब दल से कोई मतलब नहीं, संजीव मिश्रा जी हमारा तिमार। आपको अगर जनता जिता देती है आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा यहाँ? देखिए उसका तो मैनिफेस्टो हम बनाए हैं, अभी जो बताया आपको, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, करप्शन है, ये मेरा मुख्य मुद्दा है, और हमारा कोशिश है कि हम एक छातापुर में कॉलेज दें, सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अभी आप देख रहे थे कि जाप के विधायक उम्मीदवार संदीप मिश्रा जी से बात हो रही थी। अब मुझे लीजिए जरा, मैं बलराम कुमार कैमरा में, मेरे साथ अमोल।